हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएससी सर्कल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का। सर ये तो पहले पढ़ाए थे, ये है वन शॉट वीडियो। जिसने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा नहीं है या जिसने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, ओके। जिसने नहीं पढ़ा है वो लास्ट वीडियो देखे, और जो पढ़कर भूल गए थे उसके लिए भी देख लो यार, ओके। सो ट्रिगोनोमेट्री का वन शॉट वीडियो बना रहे हैं भाई। इससे कितना नंबर आता है? 5 नंबर आता है। 5 का 5 नंबर चाहिए तो पूरे लास्ट तक देखना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से चलेंगे और पीक तक भी जाएंगे। तो कैसे स्टार्टिंग करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। 2 चैप्टर पढ़ना है, ओके। तो आइडेंटिटीज के साथ पढ़ाऊंगा मैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, 3 पे ध्यान देना। साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल, कॉस थीटा और टेन थीटा। एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, साइन कॉस और टेन। एक डायग्राम बनाएंगे, एकदम अच्छे से सीखना है। ए बी सी, सपोज ये 90 डिग्री है, ये थीटा एंगल है, ओके। जो 90 के ऑपोजिट होगा वो होगा हाइपोटेनस, एच। जो थीटा के ऑपोजिट होगा ये परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ओके। देखना ध्यान से, थीटा के एकदम यहां से गोली मारो, कहां लग रहा है? पी परपेंडिकुलर 90, ओके। पी बी और एच समझ गए। एक रिलेशन भी देख लेना कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले ये देख लो, ओके। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मीन्स हाइपोटेनस। वही अगर पी निकालना हो तो क्या होता? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही अगर बी निकालना होता तो क्या होता? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट ओवर साइन थीटा। तो कैसे याद करेंगे सर? ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, ओके। सो आउट ऑफ 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज व्हिच वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच, क्या भाई? टेन थीटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ये वाला भी ध्यान से देख लेना, ओके। कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस और कौन हाइपोटेनस, इसमें भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, ओके। सर आपने तो 6 बताया था, पढ़ाया 3, ओके। बस सिंपली देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? एच बाय पी। सेक थीटा क्या होगा? एच बाय बी। कॉट थीटा क्या होगा? बी बाय पी। एक और चीज देखो सर, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो एच एच उड़ गया, पी बाय बी निकल जाएगा। मीन्स टेन थीटा का एक और फॉर्मूला पढ़ाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके। यूज देखो सबका करेंगे हम लोग, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस बाय साइन लिख सकते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं और अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सर इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं, सर ऑप्शन मारने का आदत बन गया है। लेकिन कभी कभी क्या हो कि कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन बनाए और ऑप्शन मिल जाए, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया। चलो ऑप्शन देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कॉट थीटा निकालना है, ओके। तुरंत बनाएंगे, ओके। एक नंबर देखो, पहला नंबर, साइन थीटा 1/2 है। जस्ट सोचो सर, साइन थीटा 1/2 दिया है, इसका मतलब अभी क्या पढ़ाया था? पी बाय एच। देखो कैसे बनाना, पी वन एच टू, ऐसे याद करो। रेशियो है ना, 1 के होता है, लेकिन ठीक है। पी वन एच टू, पी एच बी बराबर, जितना शॉर्ट में बनाओ उतना अच्छा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओके। एच कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। पी का स्क्वायर 1, रूट 3 आया, कितना आया? रूट 3। कॉट थीटा लगाएंगे, कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा बराबर तुरंत कर लेंगे बी बाय पी। सर बी क्या है? बी निकाला था √3 और पी पी पी, देखो पी 1 निकल गया। ऑप्शन मारेंगे ए बी सी, देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, टेन टेन थीटा इक्वल टू बी बाय एच, बी बाय एच। हमेशा याद रखना कि पाइथागोरियन ट्रिपल होता है 3, 4, 5, ये यूज पड़ेगा बहुत ज्यादा। दूसरा नंबर देख ले क्या बताना चाह रहे हैं, 4/5 मतलब है क्या एक्चुअली, ये बी बाय एच, बी बाय एच। बचा पी, पी कैसे निकालेंगे? पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने तो सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता दिया, कैसे हो गया? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 का रूट कितना हुआ? 3। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करना, 3, 4, 5, 5, 12, 13, बहुत यूज आने वाला है इसका, ओके ओके। पी निकल गया, टेन था क्या था? टेन था पी बाय बी, पी बाय बी, बी कौन है? बी कौन है? 4। तुरंत टिक मारना,
तीसरा नंबर देखते हैं, तुरंत रन बनाओ, ओके टाइम नहीं मिलने वाला एग्जाम में, इसलिए तुरंत रन। नेक्स्ट 10√3 दिया है, सेक थीटा निकालना है। सर 10√3 या √3/1 P/B, आंसर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ऐसा क्या होगा, मेरे साथ बनाते चलो चलो, तब वीडियो देखने में भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 cot θ = 3 है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 cot θ = 3, तो देन cot θ = क्या होगा, 3/4, सर B/P होता है, सेम वही क्या आएगा, H, बिना देखे टाइम को जितना बचा सके उतना बचाओ। कॉस का थीटा मत लिखने में टाइम बिताना, B² / H² ऐसे मत लिखना, जस्ट यूज करना माइंड का। कॉस था B/H, बी कितना है, ओके बी कितना है भाई, 3, 3² कितना हुआ, 9, ओके कॉस स्क्वायर है ना, हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, H, 9/25 माइनस साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है, P/H, पी कितना है, 4 का स्क्वायर 16 बाय तुम्हारा कितना 25, कितना गया -7/25। फिर देख लो कॉस्ट ऑफ B/H, बी कितना होता है, बी कितना है 3 का स्क्वायर कितना 9/25 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा क्या होता है P/H, पी कितना है 4 का स्क्वायर 16/25 -7/25। ओके 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओके ये तो 4 नंबर था, 3 तो बनाने दिए थे भाई, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10√3 + cot θ = 5, 10² + cot² क्वेश्चन को देखो ध्यान से, देख लिया यहाँ कुछ नहीं, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे स्क्वायर, क्वेश्चन में कर लेते हैं ना स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, 2ab, सर 10 और cot का रेशियो प्रोकल होता है, तो 10 cot कितना होगा 1, साइन कॉसेक 1, ओके 10² + cot²θ निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना 25, यहां पे आंसर 25 लिख देता है, गलत कर देना मत, +2 उधर क्या क्या होगा -2, तो 25 - 2 = 23, पूरा लिखने में टाइम मत बिताना एग्जाम में, 23 कितना हो जाएगा 23। लास्ट क्वेश्चन ओके, इसका प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, भाई ये क्वेश्चन ना मैं अपने ट्रिक से बताता हूँ, 10√a/b ये निकालना है, तो जब साइन कॉस ऐसा रहे डिवाइड में रहे तब कैसे बनाना, मेरा ट्रिक का यूज़ करना, कैसा सर, ओके ये ट्रिक है, 10√a/b, मैंने एक एक चीज़ बोला था कि ध्यान देना, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, ये कब यूज़ करेंगे, जब साइन कॉस रेसिप्रोकल में होगा, साइन कॉस न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, साइन टा कितना ए, कॉस टा कितना बी, ए साइन थीटा, ए इंटू ए कितना हो गया a² माइनस बी इंटू बी, क्यों भाई कॉस टा कितना है बी है, बी कॉस थीटा, बी इंटू बी कितना हो गया b² बाय ए इंटू a² सिर्फ तुमको टाइम बचाना है और डायरेक्ट टिक मारना है। आगे देखें, हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, कुछ एंगल्स दिया हुआ है सर, आप 3 ही लिखते हैं बार बार, 3 इसलिए लिखते हैं भाई, दूसरा आराम से रेसिप्रोकल कर लो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस सेक, 10 cot, बस 3 ही चीज तो याद करना एक्स्ट्रा, बस इसीलिए कम चीज को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ओके दिमाग लगा पढ़ो, कैसे करना है यूटिलाइज करो दिमाग का। क्वेश्चन भी 2 दिए हैं, आगे और क्वेश्चन देंगे, पहले इसको सीख लेते हैं, सर इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे, जैसे कोई भी एंगल का वैल्यू आएगा टेबल याद नहीं है तो एग्जाम में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4, ओके इसको सबको 4 से डिवाइड करेंगे और रूट डाल देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे रूट डाल देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे रूट डाल देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे रूट डाल देंगे, सर 1 से करने से क्या होगा देखते जाओ, सब होगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 45 का वैल्यू देखना एग्जाम में, √3/2 और ये कितना हो गया 1, ओके 0 1/2 1/√2 √3/2 1। एक और चीज, साइन का वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ते जाता है, 0 से 1 है, ध्यान सुनना, अब जैसे लिखे ना 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसका जस्ट उल्टा करते जाओ, 1 तो भाई यहां 1, √3/2 तो यहाँ √3/2, देखो बीच वाला तो हमेशा मिडिल में ही रहता है,
ओके भाई की बात कर रहे हैं, ये 1/2 ये 1/2 जीरो ठीक है। जीरो पूछता है कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। ओके 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस, 0/1 जीरो, 1/2 टू टू कट गया तो 1/√3। कितना ईजी है याद करना, 10/45 1, 2/2 कट गया √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके जब इतना याद हो गया तो कॉट का वैल्यू क्यों नहीं याद होगा यार, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है और 1/ नॉट डिफाइंड जीरो होता है, रेसिप्रोकल। जैसे 0/1 जीरो हुआ ना, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है कॉट में, अगर देखेंगे कॉट जीरो हो गया। इसका जो है कैसे याद करेंगे सर, अगर मान लो याद नहीं है ये भी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइन जीरो जीरो, साइन 90 1, दो याद हो गया, साइन 45 1/√2 तीन याद हो गया, 0 1 1/√2 बीच में ठीक है। ओके एक बार 1/2 और दूसरा √3/2, बहुत ईजी याद करो, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ऐसे करके अपने दोस्तों को सुनाओ। ओके अपने रिलेटिव्स को सुनाओ, कोई बच्चा है पकड़ लो, बोलो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या लेना, एग्जाम है याद करना है, नंबर लाना है ठीक है। क्वेश्चन को देखो वहाँ पे, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, तुरंत वैल्यू बताना, तुरंत बनाओगे तुम। ओके साइन अल्फा 1/2, अल्फा इज इक्वल टू कितना, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, जस्ट सोचना, 30, कितना 30, अल्फा बराबर 30 प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, जस्ट सोचो, कॉस 60, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, एक एक सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ओके 5 का 5 आएगा तुम लोग को, 10^2 = 45, अब बोले सर यही क्वेश्चन आएगा, हाँ यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, नहीं आया तो बताना, एग्जाम दे क्या हो देख लेना, 1 - 10^45 1 1, तो 0 हो गया अपने। ओके इजी है, कुछ और क्वेश्चन इसका देख, क्वेश्चन साइन एक्स प्लस कॉस वाई 1 दिया हुआ है, एक्स 30 दिया हुआ है, वाई निकालना है। ओके पुट करेंगे एक्स बराबर 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। ओके जल्दी से बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 1/2 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, तुम सबसे पहले टेबल लिख लो, वैल्यूज लिख लो, उसके बाद पुट कर लो, अगर याद हो गया हो तो बहुत बढ़िया, ओके नहीं याद हुआ हो तो याद करा ही दिए, 1 - 1/2 कितना हो गया 1/2, कॉस कितना वैल्यू 1/2 होता है 60, वाई बराबर कितना हो गया 60, तुरंत तुरंत बनेगा भाई क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है, सेकेंड नंबर एक्स, क्वेश्चन लिखने में टाइम मत बिताना। ओके 10/45 1, कॉट 60, सर 10/60 पढ़े थे कितना होता है √3, कॉट 60 1/√3, ऐसे बनाओ ना सब होगा, साइन 30 1/2, तुरंत सोचो, कॉसेक 60 मत पढ़ो, कॉसेक उसका उल्टा साइन, साइन 60 √3/2 उल्टा √2/√3, ऐसे पढ़ो ना भाई, कभी गलती नहीं होने वाला, √3 √3 कटा एक्स पावर कितना 1, तुरंत एबीसीडी में फटाक से मार देना। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है 2 sin 2 θ √3, थीटा बराबर निकालना है। ओके 2 sin 2 θ बराबर √3 है, तो sin 2 θ बराबर कितना होगा √3/2। ओके sin 2 θ बराबर √3/2, स्क्वायर नहीं है, sin 2 θ है, 60 हो जाता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया भाई 30 डिग्री। ओके एनी प्रॉब्लम, तुरंत तुरंत बनेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, 10 θ निकालना है। अच्छा सर कॉस थीटा इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस, मेरे साथ क्वेश्चन बनाओ बाबू, 10 θ = 1, 10 कितना का वैल्यू 1 होता है 45 का। ओके फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एवेलुएट करना है भाई फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये भी कर दे यार, साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, 660 सर 660 नहीं पढ़ना है हमको, कॉस 60 जानते हैं, कॉस 60 1/2 उल्टा 2/1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस कॉट 45 1/4 ले भाई कट गया 1/4। ओके एक क्वेश्चन मैं खुद से करता हूँ तुम लोग के लिए। ओके जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या रहता है कि इफ साइन 2 θ बराबर कॉस थीटा, थीटा निकालना है। ओके तो साइन 2 θ का वैल्यू होता है 2 sin θ into cos θ बराबर cos θ,
एक कट गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ये चलो याद कर लेना, साइन टू थीटा होता है 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। साइन कितना वैल्यू 1/2 होता है 30 का वैल्यू। ओके अब इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। वो क्या है सर? पहले एक ट्रिक देखते हैं, SC ST को बोला, ये क्या है? ओके SC मतलब क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन रिलेशन से आएगा। ओके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ST मतलब क्या? सेक स्क्वायर, देखो इसमें माइनस दे देना भाई, 10² इक्वल टू 1। ये रिलेशन है, पुट करने पे बैठ जाएगा, आराम से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, देख लो कोकोला मतलब पहले क्या है, सेक है तो सेक कोसेक ऐसे याद रखना, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन पहले रिलेशन से आएगा, रिलेशन से कैसे आएगा? जैसे देखो सेक स्क्वायर माइनस 10² 1, पहला क्वेश्चन ये आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, 10² माइनस सेक स्क्वायर कितना होगा? माइनस 1। ऐसा मतलब रिलेशन याद रखना, ST कोकोला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10² कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। एक और चीज देख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर क्या होगा? इसको लिख सकते 1 + cot² θ, ठीक है। और एक और चीज क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 = cot² θ। ये सब चीज याद रखना, ठीक है। दो सब पार्ट और हो सकते हैं इसके, देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 = tan²θ। ओके आइडेंटिटीज में सब डरते हैं, बहुत ईजी है। जबकि आइडेंटिटीज बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना है कि रिलेशन यूज करना है। पहला क्या? रिलेशन, ये सब रिलेशन है। दूसरा, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके हम लोग जैसे जानते हैं कि टेन बराबर क्या होता है? साइन बाय कॉस, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस बाय साइन। और सिंपली उसको तोड़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, बन जाएगा अपने आप, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ओके इधर देखो, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, जस्ट देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कितना है? कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर इंटू 10² कितना होता है? 1। कॉट इंटू 10 कितना होता है? 1। इजी, सेक स्क्वायर माइनस 1, सर सेक स्क्वायर माइनस 1 इधर 10² 10² थीटा, देखते चलो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, जल्दी मत करना, ये कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 था, कॉट स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा गलती करोगे तो 1 - 1 में आंसर गलती हो जाएगा, कितना आंसर आया? -1, समझे? नेक्स्ट सर, अगर समझ में नहीं आए तो सबको किस में चेंज कर देंगे? साइन और कॉस में। कैसे? सेक थीटा क्या होता है? 1 / cos θ, ठीक है। ये 1 - sin θ मल्टीप्लाई में, और सेक थीटा क्या होता है? 1 / cos θ, और टेन थीटा क्या होता है? 1 - sin cos। ओके चलो अब देखो एक चीज, अगर ध्यान से देखो, कॉस थीटा यहाँ एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या बचता? 1 - sin θ, और ये 1 + sin θ। a - b a + b क्या होता है? a² - b² 1 - sin²θ, और 1 - sin² क्या होता है? cos²θ cos²θ / cos²θ। एक क्वेश्चन, दो टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें, एक तो सबसे ईजी ऐसा सिंपल, एक और जो बता रहा हूँ, देखो इस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 cos²a + cos²4a। सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओके साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ऐसा लिखते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 - sin²a, ठीक है, लिख सकते हैं सर। तो साइन ए बराबर क्या होगा? cos²a। ओके साइन ए बराबर cos²a, पूछ क्या रहा है? cos²a + cos²4a, तो cos²a की जगह लिख सकें साइन ए, ठीक है। और cos² ऐसा लिख सकते हैं इसको, cos² का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं सर। तो एक तरह से ये हो गया साइन ए प्लस cos² क्या था? साइन ए का स्क्वायर कितना हो गया? साइन स्क्वायर भाई, देख तो यही क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर कितना है, ये भी 1, फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरा सिंपल भी था भाई, दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10²θ - 1²θ / cot²θ - cos²θ। मैंने बताया था पहले रिलेशन, दूसरा चेंज। रिलेशन देखते हैं, SC ST कोको कोला, ठीक है। ST में सेक पहले आता था, लेकिन ये उल्टा है, तो 10²- 1² कितना? -1 / cot², ओके कॉसेक पहले आता था,
क्या माइनस वन, कितना हो गया भाई वन, एकदम आराम से। तीसरा नंबर देखो, ओके टू एक्स पावर से के टू बाई एक्स पावर टेन ए, तो ये निकालना है। ओके सर ये स्क्वायर है, यानी बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर। से के और टेन ए में तो एक ही रिलेशन पता है, क्या पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू वन। ठीक है सेक स्क्वायर ए, टू एक्स का स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स का स्क्वायर माइनस टेन टू बाई एक्स का स्क्वायर दैट इज वन। टू एक्स का स्क्वायर कितना हो गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस, ओके फोर कॉमन लेते तो क्या होता, हाँ सर सही है। ओके चलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा वन बाय फोर आ जाएगा, ये भी सही है। क्वेश्चन में क्या है टू इंटू टू इंटू इसका वैल्यू कितना है वन बाय फोर, तो इससे कितना हो गया वन बाय टू। देखो आप इजी बताएं, ट्रिक ये है कि टू एक्स बराबर कुछ रहे टू बाय एक्स पावर टेन रहे और वही टू पूछ रहा है, तो क्या करना कि इसी से डिवाइड करना वन बाय टू, वन बाय इसका स्क्वायर से डिवाइड करना, टू एक्स स्क्वायर कितना होता है फोर। ठीक है थ्री 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 पूछेगा, थ्री इंटू वन बाय नाइन कर देना, ऐसे ही बनता है भाई। ठीक है वन बाय नाइन तो आंसर एकदम पक्का है कि टू इंटू इसका स्क्वायर, टू का स्क्वायर तो वन बाय फोर वन बाय टू, ईजी है ट्रिक ये वाला। चार ऑप्शन दिया रहेगा, ओके चार ऑप्शन में कहीं मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ये कैसे बनेगा सर चार नंबर, ओके चार नंबर देख लेते हैं। सब कुछ में चीज करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा में, कॉसेक थीटा क्या होता है वन बाय साइन थीटा, तुम लोग बनाते जाओ अपने आप मिल जाएगा। ओके कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका जनरली आंसर वन ही होता है, देखना ऑप्शन नंबर चार होगा स्क्वायर। एलसीएम लिए तो साइन थीटा आएगा और ऊपर आएगा वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है इसका मतलब ये क्या है वन माइनस कॉस थीटा, यहां देखो वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस, और तुरंत मिल जाएगा आराम से खत्म। ओके तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को लिखना मत जाना, ठीक है हमेशा याद रखना क्वेश्चन को लिखने मत जाना, ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर अब क्या करें आंसर तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे सबको किस में करेंगे साइन और कॉस में, सेक स्क्वायर ए कितना होता है दिख रहा है सबको, सेक स्क्वायर ए कितना होता है वन बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए कितना होता है वन बाय साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया टेन स्क्वायर ए। कितना इजी क्वेश्चन था ये, पांच नंबर क्वेश्चन था। ठीक है ओके समझो, सिक्स नंबर क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जीरो ये निकालना है। ओके इजी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एंगल वाला क्वेश्चन हो गया, तो साइन थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, मतलब टेन थीटा वन तो थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री, ये समझे टेन थीटा बराबर वन, टेन थीटा कितना का वैल्यू वन होता है टेन थीटा का टेन 45 ये पूछ रहा है, तो साइन ऐसे लिखते हैं भाई साइन 45 का पावर 4 प्लस कॉस 45 का, इतना लिखने का टाइम नहीं है किसी को। ठीक है साइन 45 कितना होता है भाई वन बाय रूट टू, ये भी कितना वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू का स्क्वायर वन बाय टू, वन बाय टू इंटू वन बाय टू, वन बाय टू इंटू वन बाय टू यानी वन बाय फोर हुआ, फोर एलसीएम लो, ओके वन प्लस वन कितना गया वन बाय टू, कितना गया वन बाय टू, वन बाय टू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन कैसे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का सेवन नंबर क्वेश्चन, आईएनटीज पूरा खत्म, ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा आज। सब किस में करेंगे साइन कॉस में, से क्या होता है वन बाय कॉस, सब पहले रिलेशन लगेंगे, देखिए रिलेशन नहीं लग रहा है तुरंत चेंज करेंगे, टेन ए क्या होता है साइन बाय कॉस, अभी ऐसा क्वेश्चन बताए भी थे साइन ए बाय कॉस है,
हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में इसमें, इससे वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए। ओके चलो हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन होता था ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर, दिमाग से बनाओ क्या था, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए हो गया, समझ में आया कॉस ए हो गया। ओके तो यहाँ तक वीडियो देखे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ आपको जो वीडियो चाहिए, अगला वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखे वन शॉट वीडियो किसका चाहिए, और देखते रहे एनपीएसटी सर्कल, स्टे ट्यून, बाय बाय एवरीवन।